नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच और मैं मंजू सिंह। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं पहली खबर, सोनिया गांधी ने देशवासियों को दी शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने शारदीय नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस शक्ति उपासना का संबंध हमारे समाज में नारी के अहम स्थान से भी है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, लता मंगेशकर ने पीएम मोदी से कहा, आपके आने से देश की छवि बदली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात कार्यक्रम में विशेष अतिथि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने कहा कि आपके आने के बाद देश की छवि बदली है और इससे मुझे काफी खुशी मिली है। दरअसल मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले लता मंगेशकर को फोन पर जन्मदिन की बधाइयां दी थी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, भारत 26/11 का आतंकवादी हमला हम कभी नहीं भूल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जी हां दोस्तों, आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करता है। हम 26/11 को कभी नहीं भूल सकते हैं और अगर कोई चूक हुई तो उसे दोहराया नहीं जा सकता। हमारे नेवी और कोस्ट गार्ड हमेशा अलर्ट रहते हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, सऊदी अरब से उधार में मिले खटारा विमान ने कराई इमरान खान की बेइज्जती, ऐसे पाक वापस आना पड़ा। जी हां, आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सऊदी अरब द्वारा दिए गए विमान में तकनीकी खामी आने के बाद कमर्शियल फ्लाइट से आम यात्री की तरह अमेरिका से इस्लामाबाद जाना पड़ा। इससे पहले शनिवार को इस्लामाबाद लौट रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल को न्यूयॉर्क वापस लौटना पड़ा था। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के प्लेन में तकनीकी खराबी उस वक्त आ गई जब उनका हवाई जहाज टोरंटो के पास था। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि तकनीकी खराबी ज्यादा बड़ी नहीं थी जिसे ठीक किया जा रहा है। इमरान खान को यह प्लेन सऊदी अरब की तरफ से यात्रा के लिए दिया गया था। वहीं नेक्स्ट अपडेट, नवरात्रि 2019, नवरात्रि के पहले दिन लेहड़ा देवी के दर्शन को जाएंगे सीएम योगी, कई परियोजनाओं को देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही आज घरों में कलश की स्थापना भी की जा रही है। पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का महान बैल होने के कारण इन्हें वृषारोहणा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के रूप के बारे में बताएं तो इनके दो हाथों में दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, धनतेरस पर बाजार रेट से सस्ता मिलेगा सोना, बस करना होगा यह काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सोने व चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से उठापटक चल रही है। आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और आगे दशहरा व दिवाली का त्योहार आ रहा है। पितृपक्ष के दौरान सोने की कीमत में गिरावट देखी गई, लेकिन आगे फेस्टिवल सीजन हर बार की तरह इस बार भी सोने में तेजी आने की संभावना है। अगर आप भी इस समय सोने में निवेश करना चाहते हैं तो इस समय बेहतर है। जानकारों की माने तो कई ग्राहकों ने सोना सस्ता होने पर उसकी बुकिंग करा ली है और वे धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर इसकी डिलीवरी करा लेंगे। ऐसे में आप भी अगर सोने की बुकिंग कराते हैं तो धनतेरस पर सस्ते सोने की डिलीवरी ले सकते हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, मोदी सरकार का कड़ा कदम, करप्शन के आरोपी अधिकारियों को जबरन किया रिटायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के चौथे राउंड में सरकार ने 15 और टैक्स अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, पूर्वांचल में बारिश का कहर, गाजीपुर में 15 फीट नीचे सड़क धसी, 50 गांव के लोग फंसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्वांचल में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया में काफी बुरा हाल है। वहीं पूर्वांचल के कच्चे मकान गिरने लगे हैं। मलबे में दबकर अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, अभी और रुलाएगा प्याज, खुदरा बाजार में दाम 80 रुपए से ऊपर जाने की आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नवरात्र के सीजन में प्याज की खपत में गिरावट आएगी। दिल्ली के सबसे बड़ी आजादपुर मंडी समिति का कहना है कि बीते साल प्याज की मांग में करीब 23% की गिरावट आई थी। वहीं मंडी कारोबारियों का कहना है कि कई बार प्याज में 50% तक की कमी आती है। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि मांग कम होने का सीधा असर कीमत पर नहीं पड़ता। इस बार के हालात को देखते हुए प्याज के दाम में कमी आने की संभावना नहीं है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, बटोत में आतंकी मुठभेड़ के बाद जम्मू शहर में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के बटोत में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू होने के तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। नवरात्र को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट हैं, लेकिन आतंकी मुठभेड़ के बाद शहर में कई इलाकों में नाकों को एक्टिव कर दिया गया। इस दौरान CISF और ITBP के जवानों को पुलिस के साथ तैनात किया गया। शनिवार को नाके लगाने के अलावा रात की गश्त बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है।
वहीं नेक्स्ट अपडेट, ऐश्वर्या राय ने अपनी अदाओं का बिखेरा जादू, मैचिंग कपड़ों में दिखी बेटी आराध्या। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया। इस ग्रैंड इवेंट में ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती और अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।